हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो उससे पहले हम दो बातें करते हैं कि इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी का मौसम है, एसी का प्रबंध नहीं है और फैन चल रहा है, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी। सो करते हैं स्टार्ट कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स यानी कि किसी फंक्शन का उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा, हम ऐसे समझते हैं। अब एक प्यारा सा रिश्ता लेते हैं बहन और भाई का। सो ऐसे समझते हैं कि जो बहन भाई हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं। सर वो कैसे? अब मान लो कि आपकी मम्मी आज कहीं गई हुई हैं और घर अच्छा है, साफ सुथरा है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपका भाई स्कूल से आया तो उसकी शर्ट कहीं पड़ी हुई है, बैग कहाँ है, शूज कहाँ है, ठीक है। सो बहन क्या किया? बहन ने सफाई कर दी। अब मम्मी जब आई, मम्मी ने देखा कि जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही है, मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं वही मिल रही है, जैसे छोड़कर गए थे वैसा ही मिला। सो मतलब भाई ने क्या किया? तबाही, और बहन ने सफाई, ठीक है ना। अब कई बार उल्टा होता है, मतलब कि घर में सफाई करने वाली है रूम में मान लो, और मम्मी ने कहा कि सफाई कर देना, अब बहन ने सफाई की तो भाई बाहर से आया, भाई ने क्या किया? वही काम दोबारा से कर दिया, जैसा रूम पहले था वैसा ही। अब मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही है, मतलब सफाई नहीं हुई। तो जब दो फंक्शन एक दूसरे के उल्टे इनवर्स इकट्ठे अप्लाई होते हैं तो जो इनपुट डालते हैं वही मिलती है। थोड़ा सा समझना इस बात को कि जैसे बहन भाई एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन इस बात को कंप्लीट करते हैं थ्रू आउट लाइफ वो एक दूसरे के इनवर्स नहीं रहते हैं। वो कैसे? जब बहन की मैरिज हो जाती है, अब मान लो वो अपने ससुराल चलेगी, वहाँ पर जाकर थोड़ी आप ये काम करोगे अगर आप भाई हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर नहीं, कुछ डोमेन होता है लाइफ का, कुछ पार्ट होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ऐसे हम देखेंगे कि कुछ फंक्शन हैं जो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं थ्रू आउट डोमेन, लेकिन कुछ के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे के इनवर्स बन जाएं। सो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। चलो जी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं बेटा एफ, कहां से कहां? ए से बी एक फंक्शन लिया। सो फंक्शन हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि मान लो बेटा ये आपका वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये आपका ए है, बी है, सी है एंड डी है। या यूं कहें कि ये बस इतना ही काम है। सो फंक्शन ऐसा बेटा, ये यहां पर जा रहा है, ये यहां पर और ये यहां पर, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे इसका इनवर्स चाहिए यानी कि इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हम मान लो एक फंक्शन जी है जो इसका उल्टा है, एक जी है जो इसका उल्टा है, उल्टा तो बेटा वो क्या करेगा? उल्टा ही चलेगा भाई, सीधा ए से बी जा रहा है, उल्टा बी से ए जाएगा, तो चलो बी से ए चला गया। अब B से A जो ये काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? वन को A पर भेजेगा, तो ये जस्ट इसका उल्टा यहां से यहां, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? देखो यहां पर A आ जाएगा क्योंकि B क्या लिमिट A B C, यहां पर क्या आ जाएगा? वन टू थ्री, इतना ठीक है ओके। तो इसी का जस्ट उल्टा कर लो, ये वन पर, ये टू पर, बी बट जाएगी थ्री पर और सी बट जाएगा। अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है
कि बेटा याद रखना, अगर ये फंक्शन है आपका, अगर f कोई फंक्शन है, तो बेटा जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स ऑफ, तो पहला पॉइंट हम यहां नोट कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, मतलब ये एक फंक्शन था, इसका इनवर्स निकालना है तो जी क्या है, बी से ए, बेटा वो भी एक फंक्शन होना चाहिए। हमने रिलेशन की हुई है, ठीक है ना, रिलेशन में फंक्शन में थोड़ा सा फर्क था। अब मैंने ये फंक्शन एफ लिया, अब मैं इसका इनवर्स देख रहा हूँ कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, तो मैंने जी कर दिया बेटा उल्टा, क्या है, बी से ए कर लिया, ठीक, मैंने इसका जस्ट उल्टा लिख लिया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन बन रहा है। फंक्शन के दो रूल थे, कौन कौन से सर, एक तो यहाँ जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की यहाँ पर आपको इमेज मिलनी चाहिए, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना, एक रूल ये। दूसरा, एक एलिमेंट दो पर नहीं जा सकता, ये भी फंक्शन का रूल था कि एक एलिमेंट एक पर ही जाएगा, दो पर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो बेटा ये एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट क्यों बचा, सोचने वाली बात है। इधर देखो, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, ये एलिमेंट यहां बचा इसलिए जब हमने उल्टा किया तो ये यहां पर आ चुका है, तो यहां पर ये एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर एलिमेंट यहां पर नहीं बचता तो बेटा ये ए है, ये बी है, तो फंक्शन बेटा कैसा होना चाहिए, अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज ना मिलती हो, तो वो फंक्शन बेटा ऑन टू बन जाता है। मतलब हर पॉइंट की अगर प्री इमेज मिल रही है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू, क्योंकि मुझे उल्टा चाहिए था, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि एफ को ऑन टू होना चाहिए, एफ को ऑन टू होना चाहिए, ये बात समझ में, ठीक है, एफ को ऑन टू बना दिया। ऑन टू बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देते हैं, फोर, तो फोर को बेटा यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट फोर, तो फोर को बेटा यहाँ पर भेज दिया। तो मतलब जो फंक्शन एफ है, एक मिनट, इसके बारे में एक बात और देख लेते हैं, एफ को ऑन टू होना चाहिए, चाहिए था। एक प्रॉब्लम बेटा और आ रही है कि एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, ये प्रॉब्लम भी यहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे, अगर ये ऐसा काम ना बनता यहाँ पर, ऐसा काम मतलब भी अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज ना मिलती तो इसका उल्टा ये काम कभी ना होता। तो मतलब यहाँ पर दो एलिमेंटों से एरो निकलते हुए एक पर नहीं जाने चाहिए, दो एलिमेंट से एरो निकलते हुए एक पर नहीं जाने चाहिए। सो इसका मतलब क्या कि फंक्शन वन में होना चाहिए, जब एक से एरो जा रहा है दूसरे से एरो यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, तो मतलब क्या है, डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज। तो जो एफ क्या है, एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, मतलब एफ आपका वन वन ऑन टू होना ही चाहिए अगर आप उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन, ये याद रखना, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है, ठीक है जी। सो यहां पर हमने ये देखा कि अगर एक फंक्शन एफ है तो उसका पहले देखा कि इनवर्स मिलता कब है, इनवर्स कब मिलता है, अगर ये फंक्शन बेटा वन वन ऑन टू है, तो अगर ये वन वन ऑन टू नहीं है तो इसका इनवर्स नहीं मिलेगा ए से या बी से ए हम कहें, ठीक। सो इसको साफ करते हैं, या इसके साथ ही
So F must be, 1 minute. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, तो हम कह सकते हैं जी किसका इनवर्स है, एक सॉरी एफ का. सो इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू जी, जो एफ का इनवर्स है वो क्या है बेटा, जी निकल कर आया. अब देखो अगर भाई बहन का उल्टा है तो बहन भाई का भाई को, ठीक है. सो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो इनवर्स ऑफ जी क्या आएगा बेटा, वो एफ आएगा. मतलब अगर एफ जी का इनवर्स है तो जी किसका इनवर्स हो जाएगा, एफ का. तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब इनवर्स ऑफ एफ, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ को एफ इनवर्स, तो बेटा वो क्या निकल कर आया, जी फंक्शन. तो ऐसे बेटा यहां से जी इनवर्स क्या निकल कर आया बेटा, एफ. अगर जी के इनवर्स निकालना चाहते हो वो क्या निकल कर आएगा, एफ. यहां पर नोट करने वाली एक बात और है प्यारी सी, वो क्या कि कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं है. एफ इनवर्स, देखो इनवर्स ऑफ एफ को लिखने का बेटा ये मेथड है, ये एफ की पावर माइनस वन नहीं है, एफ की पावर माइनस वन नहीं है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक. सो ये इनवर्स लिखने का तरीका है. सो यहां पर ये बातें हो चुकी हैं, ओके. अब फंक्शन 1102 होना चाहिए अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो अब करते हैं इसकी डेफिनेशन, समझो लिया कि मेन मेन मतलब क्या है. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बिना समझो वह कंसेप्ट बेटा किसी काम का नहीं होता, ठीक है. तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन और बेटा ये फंक्शन जो f है वो कैसा होना चाहिए आपका, 1-1 एंड ऑन टू, देन g b टू a इज सेट टू बी, इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ F, if and only if, क्या बेटा अगर हम गोफ निकालें इक्वल टू आई बी आ जाए, सॉरी फॉग, और अगर हम गोफ निकालें तो वो क्या जाए, आई ए. सर ये क्या कह दिया आपने, सर ये क्या कह दिया, अभी देखते हैं अभी देखते हैं अभी देखते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं से. अगर G है वो F का इनवर्स है, अगर G जो है वो F का इनवर्स है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ऐसे समझ लो. तो होता क्या है, होता क्या है, इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं आपको कि मान लो एक फंक्शन है 1 2 3, सॉरी फंक्शन कह रहा हूं, एक सेट A है और एक सेट B है. तो बेटा ये A B C, सो यहां से यहां पर मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया. f कैसा है, 1 b पर जा रहा है, 2 a पर और 3 c पर, ये फंक्शन है, ओके. सो मैं लिख सकता हूं कि f 1 पर कितना, कितनी इमेज दे रहा है, सॉरी 1 पर क्या दे रहा है, b. f 2 कितना हो रहा है बेटा, a. और f 3 कितना हो रहा है बेटा, सी. इतना काम कर सकते हैं, ओके. अब ये फंक्शन एफ है, अब इसका इनवर्स क्या होता है, पहले वो समझो, पहले फीलिंग लो यहां से. इसका इनवर्स होता है बेटा जस्ट इसको उल्टा कर लो, यानी कि यहां पर बी और यहां पर ए, तो ये क्या बन गया बेटा, ए बी सी 1 2 3. सो ए कहां जा रहा है, 2 पर, और बी कहां जा रहा है, 1 पर, उल्टा काम है ना बेटा,
और थ्री कहाँ जा रहा है बेटा, सी पर, ये वाला का, ये होता है इसका इनवर्स। अगर ये एफ है तो बेटा ये जी फंक्शन, ध्यान से, तो ये ऐसे जाएगा, ये तीर ऐसे हो जाएंगे, एरो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, इतना काम हो चुका है हमारा। अब इसको लिखकर देखना जरा, इसको लिखकर देखना क्या बनेगा, सॉरी जी है, सो जी ऑफ ए कितना जाएगा बेटा, टू, जी ऑफ बी कितना जाएगा बेटा, वन, जी ऑफ सी कितना आएगा, जी ऑफ सी थ्री। अब ध्यान से बात को समझो, जो कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर एफ के अंदर वन डालते हैं तो बी मिलता है, लेकिन अगर जी के अंदर बी डालते हैं तो वन मिलता है, मतलब उल्टा काम है ना, ये वन को बी पर भेजता है, ये बी को वन पर, इसके पास वन आया तो इसने उसका बी बना दिया, लेकिन इसके पास बी आया इसने उसको दोबारा से वन बना दिया, इसने बेटा टू को ए पर भेजा, इसने ए को टू पर भेजा, इसने थ्री को सी पर भेजा, इसने सी को थ्री पर भेजा, मतलब काम उल्टा। अगर एक ऐसा फंक्शन जो डीमोटिवेट बंदे को मोटिवेट करता है, एक आदमी ऐसा है, एक आदमी उसका उल्टा, वो क्या करता है, मोटिवेट बंदे को डीमोटिवेट करता है, बात आ रही समझ में, ओके सर। अब इस चीज को समझते हैं, ये है क्या, अब ये फंक्शन समझ में आए दोनों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं कंपोजिशन दोनों की, कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन देखते हैं, इसको ऐसा लिखो, ये एफ है और ये जी है, ये वन टू थ्री ए बी सी, ये तो बेटा ए होता है ना, और ये बी, ये फिर दोबारा से ए, ओके। अब क्या है, ये वन टू थ्री, तो वन कहाँ जाता है बेटा, बी पर, और टू कहाँ जाता है, ए पर, थ्री कहाँ, सी पर, ए कहाँ जाता है बेटा, ए टू पर, और बी कहाँ जाता है बेटा, वन पर, और सी कहाँ जाता है, थ्री पर। सो ये हमारा बन चुका है, ये फंक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है आपका गोफ, ये होता है गोफ, और बेटा गोफ कहां से कहां जा रहा है, गोफ की डोमेन क्या है, ए, और कहां पर जाकर खत्म हो रहा है, ए पर, और गोफ को लिखते हैं, गोफ काम क्या करता है, गोफ के अंदर बेटा अगर वन डालोगे यहां पर F प्लस वन आएगा, F वन का क्या बनाएगा बेटा, B, फिर G के पास क्या पहुंचा, B, और G ने B का क्या बनाया बेटा, दोबारा से वन। देखो ना, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, यहां पर बेटा यहां पर वन डाला, ये F ऑफ वन बना, F ने वन का क्या बनाया बेटा, F ने वन का B बनाया, और जी बी का उल्टा क्या बनाएगा, वन बनाएगा, ठीक ना, जी बी का उल्टा वन बनाएगा, वन डाला वन मिला, ठीक है, उल्टे ना एक दूसरे के, इसके पास जो भी पहुंचेगा ये उसका कुछ बनाएगा, ये दोबारा से वही काम। तो अगर गोफ वन देखे तो वन आएगा, गोफ टू देखे तो बेटा टू आएगा, गोफ थ्री देखे तो थ्री आएगा। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, आइडेंटिटी फंक्शन की जरा डेफिनेशन क्या थी आप हमें वो बताएं। आइडेंटिटी फंक्शन था बेटा कोई फंक्शन, सबसे पहले बेटा उसका डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए था, याद रखना, मान लो ये कोई फंक्शन है और रिप्रेजेंट करते थे बेटा आई ए से, यहाँ पर बेटा उसका डोमेन लिख लो, कोडोमेन लिख लो, दोनों सेम है तो ये था, ठीक है ना, तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। होता क्या काम क्या करता है, इसके अंदर बेटा अगर x डालते हो तो ये x ही बाहर निकालता है, जो डालोगे वही निकल आएगा, तो ये भी तो यही काम कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि गोफ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी a आना चाहिए, आई a, मतलब इसका डोमेन क्या है a। अब फोग निकाल कर देखते हैं, ठीक है, फोग, सो ठीक है जी, फोग निकाल लेते हैं, फोग में क्या जाता है, फोग पहले बेटा जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो जी कहाँ से कहाँ है,
बी से ए फिर बी, यहाँ पर बेटा जी आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, ए से बी एफ है और बी से ए वो हमारा जी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ए बी सी 1 2 3 ए बी सी, ए कहाँ जाता है बेटा, जी फंक्शन ए को कहाँ भेजता है, 2 पर, और फिर एफ फंक्शन 2 को कहाँ भेजेगा बेटा, एफ फंक्शन 2 को कहाँ भेजेगा, ए पर, फिर ये बी को कहाँ भेजेगा बेटा, ये बी को भेजेगा 1 पर, और बेटा एफ 1 को फिर दोबारा बी पर, एफ 1 को दोबारा बी पर, अब सी को 3 पर और 3 को सी पर, आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी, ये क्या है फोग, और फोग के डोमेन क्या है बेटा बी, और कोडोमेन बी, और फोग के अंदर बेटा अगर 1 ए डालोगे तो मिलेगा क्या, ए मिलेगा, बी डालोगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, सी डालोगे तो क्या मिलेगा, सी, जो डाल रहे हो बेटा वही मिल रहा है, जो इनपुट डाल रहे हो वही मिल रहा है, तो हम फोग को क्या बोल सकते हैं यहां पर, फोग बेटा, ये फोग जो आ रहा है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन इसकी डोमेन क्या है बेटा, बी आई ना, देखो बी आई, बी से बी जा रहा है, तो आई थिंक बात क्लियर है। सो फोग के अंदर अगर आप एक्स डालोगे तो आपको एक्स ही मिलेगा, जो डालोगे तो वही मिलेगा। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में, ठीक। दूसरी डेफिनेशन भी करेंगे, ये भी कैसे इम्पोर्टेंट है, मान लो आपको दो फंक्शन दे दिए, वो कह रहा है चेक करो कि ये वाला दूसरे का इनवर्स है या नहीं, देखो दो फंक्शन दे दिए, कहेगा चेक करो कि ये वाला पहले वाला दूसरे का इनवर्स है या नहीं, अगर बेटा वो इनवर्स होगा तो पक्का फोग और गोफ क्या आने चाहिए, आइडेंटिटी आने चाहिए, दोनों चेक करना, कहीं एक करके छोड़ दो, बात बहुत काम की है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा, पहली डेफिनेशन आपकी हो चुकी है, कहीं ना कहीं बेटा आपने दूसरी डेफिनेशन भी कर ली है लेकिन बुक में फिर भी लिखी रहती है, तो हम वो भी लिख लेते हैं, तो ठीक है। कहते हैं कि इफ एफ बेटा ए टू बी इज अ फंक्शन बेटा, ये क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, जी बेटा बी से ए इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ, ओके सूर्य, इफ जी बी टू ए इज अ फंक्शन, ऐसे देखो बेटा, इज अ फंक्शन सच दैट, कैसा फंक्शन है बेटा, एक देखो डेफिनेशन वही है लेकिन शब्दों को घुमाया फिराया गया है, वर्ड्स को घुमाया फिराया गया, कैसे, एक एफ फंक्शन है ए से बी जो 1 1 है ऑन टू है, एक जी है बेटा बी से वो एक फंक्शन है, सच दैट, कैसा फंक्शन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है तो बेटा जी वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, देखो ना ये एक्स को वाई पर भेज रहा है और जी उल्टा काम करता ना, वाई को एक्स अभी करके आए हैं, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो ये काम चलता है बेटा हमारा, ये काम चलता है, ये दो डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा हुआ, आई थिंक इतना आपको समझ में आ चुका होगा, चलो ठीक है। सो अब करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आपको मिल रहा है, एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा, दो नहीं होंगे,
समझने के लिए, बेटा 5 है, इसका इनवर्स होता है 1/5, तो 5 का एक ही इनवर्स मिलेगा कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए। 5 को दो नंबर अलग अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, इसका इनवर्स एक ही मिल रहा है, ठीक है। 2 का इनवर्स एक ही मिलेगा, 1/2, 1/2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिले। ये इनवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक है, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बेटा तो पक्का वो क्या होगा, यूनिक होगा। आप दो इनवर्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि सर मान लेते हैं एक फंक्शन है आपका, वही अभी समझने के लिए 1, 2, 3 ए बी सी, तो ये फंक्शन मान लिया। ये फंक्शन काम क्या है बेटा, 1 को बी पर, 2 को ए पर एंड 3 को सी पर। आपको इनवर्स चाहिए, मान लो बेटा दो इनवर्स मिल गया आपको, दो इनवर्स उल्टे दो फंक्शन मिल गए। एक का नाम बेटा मैंने जी रख लिया, जी क्या करेगा बेटा, बी को 1 पर भेजेगा, जी बेटा ए को कहाँ भेजेगा, 2 पर, इसका उल्टा काम, और जी सी को कहाँ भेजेगा, 3 पर। एक और फंक्शन मिल गया इनवर्स, इनवर्स का काम तो बेटा वही रहेगा ना, मान लो एच है, एच भी बी को कहाँ भेजेगा, 1 पर, एच ए को कहाँ भेजेगा बेटा, 2 पर, और एच बेटा सी को कहाँ भेजेगा, 3 पर। दो फंक्शन मान ली। हमें इतना पता है कि दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, हालांकि डेफिनेशन अच्छे से करेंगे लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो कि वो फंक्शन जिनकी डोमेन सेम हो, वो दो फंक्शन जिनकी डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो और हर पॉइंट पर इमेज सेम हो, ध्यान से, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, अगर बेटा उनकी डोमेन सेम हो। मान लो एक फंक्शन जी है वो बी से ए जा रहा है, एक फंक्शन एच है वो भी कहां से कहां जा रहा है बेटा, बी से ए जा रहा है। और क्या है, और बेटा जी का काम क्या है, जी का काम है वाई को एक्स पर ले जाना, और एच का काम भी क्या है, वाई को एक्स पर ले जाना। अगर मैं यहां पर 2 डालता हूं तो यहां पर 3 है, तो इसमें भी तो सेम आएगा ना। अगर दो फंक्शन की डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन सेम आती है और इसके अलावा हर एक इनपुट पर आउटपुट सेम आ रही है, अगर इसके अंदर 5 डाल रहे हो और ये 3 दे रहा है तो ये भी 5 पर 3 देगा, ये 2 को 7 पर भेज रहा है, ये भी 2 को 7 पर भेज रहा है। अगर हर पॉइंट पर दोनों की इमेज सेम आ रही है तो फंक्शन क्या बेटा, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है, इन दोनों की डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है और हर एलिमेंट पर बेटा इमेज भी क्या आ रही है, सेम, तो इक्वल फंक्शन। मतलब आपने तो दो अलग अलग माने हुए थे लेकिन वो फंक्शन क्या निकलेगा बेटा, सेम निकल गए। हम कहते हैं फंक्शन क्या है बेटा, यूनिक है। तो फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यूनिक है। सो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो बेटा वो पक्का यूनिक होगा, ये पहली थ्योरम थी, पहला रिजल्ट था। दूसरा क्या है, हमने कहा था कि यहां पर लिख देते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये भी रिजल्ट बेटा खतरनाक है, वो कैसे, अगर मान लो बेटा एक फंक्शन एफ है वो ए से बी जा रहा है, अभी क्या था हमने, क्या कहा हमने, ये कहा कि ये फंक्शन जो है ना वो 1-1 भी होना चाहिए, 1-2 भी होना चाहिए अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर बेटा एफ क्या है, 1-1 एंड 1-2 है, तो ये कह रहे हैं कि जो इसका इनवर्स आएगा ना जी आएगा बी से ए, ये भी क्या होगा बेटा, 1-1 एंड 1-2,
मतलब जो फंक्शन का इनवर्स आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, 1 1 2 मतलब बाइजेक्टिव। कैसे समझे सर इसको? समझना बेटा इसमें क्या है, बिल्कुल आसान तो है। अभी हम कहते थे ना इसके इनवर्स क्या है, ये ठीक है ना, ये हमें पता था। फिर हम अगर इसकी साइड हो जाएं तो इसका इनवर्स क्या आएगा, वो अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स वो होगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है तो बेटा ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए वो 1 1, तो हमारा ये भी काम यहाँ से हो जाएगा। अदरवाइज बेटा आपने अभी एग्जाम्पल बनाया तो वो आप वहाँ से देख सकते हो कि अगर ये ए है और ये बी है तो ये एफ है। अगर ये 3 एलिमेंट हैं तो बेटा अगर ऐसे जा रहे हैं, इसके उल्टे देखो ना, आप यहाँ से देख रहे हो तीनों की अलग इमेज मिल रही है, ठीक है, और ये F11 भी है, O2 भी है, तो इस साइड से खड़े होकर देख लो, इसकी बेटा यूनिक इमेज मिलेगी हमेशा। अगर इधर से इधर एक एक पर जा रहा है तो इधर से इधर भी एक एक पर आ रहा है, और O2 भी है क्योंकि यहाँ पर सभी की इमेज मिलनी चाहिए, तो 1 1 O2 हो चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है ना। इसे कहने का मतलब क्या है कि दैट इज एफ इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 and O2। थर्ड हम क्या कह सकते हैं, थर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको इनवर्टिबल बोलते हैं। इफ इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट देन एफ इज सेट टू बी, एफ क्या कहेंगे, एफ इज सेट टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, इनवर्टिबल। एफ का इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर एफ क्या है बेटा, अगर एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल। तो यहां से भी देख सकते हैं, अगर अगर फंक्शन 1 1 and O2 है, एंड ओन टू है तो पक्का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन 1 1 O2 है तो पक्का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता तो बेटा उसको क्या बोल देते हैं, इनवर्टिबल। तो मतलब आगे से याद रखना, जो फंक्शन 1 1 and O2 है तो उसे इनवर्टिबल भी कहेंगे, उसे इनवर्टिबल बी कहेंगे, और बाइजेक्टिव तो कहती कहते हैं बेटा। मतलब एक टर्म आपके पास नहीं आई, मतलब क्या है कि अगर आप लिखो 1 1 and O2, इसका मतलब फिर लिखते थे बेटा आप बाइजेक्टिव, इसका मतलब या बाइजेक्शन, इसका मतलब इनवर्टिबल, और इसका मतलब, और साथ में लिखते हैं बेटा 1 1 correspondence, इसका इन सभी का मतलब बेटा सेम है कि फंक्शन 1 1 O2 है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड में आ चुकी, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ है कि अगर इनवर्स का इनवर्स निकालते हो तो बेटा एफ ही आ जाता है। इनवर्स का इनवर्स किया तो एफ ही आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, हम कहते थे ना कि एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है, ऐसा तो हम करते थे, ऐसा तो हम करते आ रहे हैं। सो इस इक्वेशन में बेटा हम जी की वैल्यू डाल देते हैं, जी इनवर्स एफ है ना, तो जी की वैल्यू बेटा एफ इनवर्स रख लो, जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स, तो बेटा वो एफ ही आ चुका है ना, जी की वैल्यू एफ इनवर्स, सो यहाँ से जी की वैल्यू एफ इनवर्स,
तो जी की जगह बेटा क्या पुट कर दिया, एफिनिवर्स, तो वही आ चुके, तो मतलब आसान था, ठीक है ना। सो याद रखना, ओके चलो जी। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिफ्थ, कि अगर आप फोग का इनवर्स निकालते हो या गोफ का इनवर्स निकालते हो, अगर गोफ का इनवर्स निकालते हो तो वो आता है एफ इनवर्स कंपोजिशन विद जी इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो फंक्शन है, पहले कंपोजिशन कर लो फिर इनवर्स निकाल लो, या पहले इनवर्स लिख लो और फिर कंपोजिशन। फर्क कितना है कि पहले एफ का इनवर्स आना चाहिए फिर जी का इनवर्स, इनकी कंपोजिशन होनी चाहिए। ऐसा आप मत करना, आंसर गलत आएगा, बात नहीं बनेगी, किसी एक आधे क्वेश्चन में भी काम चले ये वाला, ये नहीं होता। ओके सो इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये गलत कैसे है, तो यहां पर लिख देते हैं पूरा, प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, हाँ इसको ध्यान से देखो, जो गोफ है बेटा, मान लो ये आपका ये ए है, ये बी है और ये ए है, तो बेटा यहां से यहां एफ जाएगा, यहां से यहां जी जाएगा। सो जो आपका एफ है और गोफ है, ये बेटा जो गोफ है वो आपका कहां से कहां गया बेटा, गोफ ए से ए आया, ठीक ओके। अब इसके बाद ये आ चुका है, इसके बाद बेटा इसका इनवर्स निकालते हैं। अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो वो भी ए से ए ही रहेगा, ए से ए ही रहेगा। ऐसा मानो कि ये फंक्शन ना आपका, देखो अब एफ का इनवर्स जी हम वो नहीं मानते, हम दो अलग फंक्शन मानते हैं, मान लो एफ और जी। यहां पर मैं ये नहीं लेकर चल रहा कि एफ का इनवर्स जो है वो जी है, ऐसा केस नहीं मान रहे कि एफ का इनवर्स जी, अभी जो कर रहे थे उसको थोड़ा सा साइड रखो। अब क्या है, एफ कोई अलग फंक्शन है, जी कोई अलग फंक्शन है, जरूरी नहीं कि एक दूसरे के इनवर्स हो। तो मतलब ये ए से बी है तो इसको बी से सी मान लो। अब अगर आप गोफ निकालते हो तो वो कहां से कहां जाता है बेटा, ए से सी, और अगर बेटा गोफ का इनवर्स वो कहां से कहां जाएगा, सी से ए, ये आना चाहिए ना आंसर में। अगर बेटा आप ये निकालते हो जी इनवर्स कंपोजिशन विद एफ इनवर्स, अब ध्यान से देखो एफ इनवर्स कहां से कहां जाएगा, पहले एफ इनवर्स लगा रहे हो ना, एफ इनवर्स कहां से कहां जाएगा, ए से बी, सॉरी बी से ए, एफ का इनवर्स बी से ए। फिर बेटा जी इनवर्स कहां से कहां जाएगा, जी इनवर्स जाता है बेटा आपका सी से बी, वो जाएगा सी से बी, ये आपका जी इनवर्स। यहां से वो बात नहीं बन रही जो बननी चाहिए थी, जो बात यहां से मिलेगी, देखो यहां से देखो, अगर इसकी कंपोजिशन करवा रहे हो, इन दोनों की कंपोजिशन करवा रहे हो, तो करवाने के बाद आंसर में भी क्या जाए, बी से बी, ये फंक्शन अगर बेटा एग्जिस्ट करेगा तो बी से बी जाएगा ना, लेकिन हमारा क्या रहा है सी से ए, दोनों फंक्शन इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक फंक्शन सी से ए जा रहा है दूसरा फंक्शन बी से बी जा रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम कंपोजिशन करवाएं किसकी, इसकी, तो पहले जी इनवर्स लिखो बेटा, जी इनवर्स कहां से कहां, सी से बी, और फिर बेटा एफ इनवर्स, एफ इनवर्स कहां से कहां जाता है, बी से ए, यहां से बेटा एफ इनवर्स, यहां से जी। अब अगर इनकी कंपोजिशन करवाते हो तो बेटा वो कहां से कहां जा रही है, सी से ए, तो यहां पर ये ठीक रहा, ये लिखना ओके, वो गलत हो जाता है।
हालांकि मैंने एग्जैक्ट प्रूफ नहीं आपको दिया, एग्जैक्ट प्रूफ चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको प्रूफ चाहिए सर, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अब करते हैं दो क्वेश्चन, एक सिंपल, दूसरा भी सिंपल, लेकिन वो सिंपल जय मेन्स एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, मेन में आया हुआ है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर एक आर से आर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, इसका इन्वर्स निकालना है। उसने क्वेश्चन दे दिया कि इसका इन्वर्स निकालो। सबसे पहले तो बेटा आपको वन वन ओन टू चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन वन वन ओन टू है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप वन वन चेक करते हो, हालांकि ये काम हमने करवा रखा है कि वन वन चेक करने के लिए क्या करते हो, लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि उनकी इमेज क्या आती है बेटा, सेम आती है। अगर फंक्शन की इमेज सेम आती है तो बेटा अगर पॉइंट सेम आ गए तो फंक्शन वन वन, अगर पॉइंट डिफरेंट आ गए तो फंक्शन नोट वन वन, क्योंकि अगर पॉइंट डिफरेंट आए तो इमेज तो सेम आ रही है ना, तो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज, फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, तो पॉइंट सेम आने चाहिए। तो हम चेक करते हैं यहां से बेटा, तो एफ एक्स वन क्या आएगा, यहां पर एक्स वन, यहां पर एक्स वन, फिर एफ एक्स टू क्या आएगा बेटा, तो थ्री से थ्री गया, टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू, सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन वन वन तो है बेटा। ओन टू चेक करते हैं, ओन टू के लिए क्या करते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि इनवर्स एग्जिस्ट करे, अगर फंक्शन वन वन ओन टू है फिर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से ध्यान से देखो कि फंक्शन ओन टू चेक करने के लिए, सो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव टू फाइंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, हर वाई की प्री इमेज मिलनी चाहिए ना ओन टू के लिए, डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी। तो वी हैव टू फाइंड एक्स बिलोंग्स, हर वाई के लिए बेटा कोई एक एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई बन जाए। तो यहां से बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई, तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय टू। ये निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है बेटा, हम डोमेन और कोडोमेन और डोमेन को देखते हैं, तो यहां से बेटा हम क्या करते हैं, डालकर देखते हैं इनपुट, तो वाई यहां होता है, तो यहां से वैल्यू डालने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहली बात, प्रॉब्लम कैसे सर, ना तो बेटा नीचे जीरो बने और ना ही कॉम्प्लेक्स बने, फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड स्टेप, अगर आप सब कुछ डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डालने के बाद जो आउटपुट आया वो किसके अंदर जाना चाहिए बेटा, रियल के अंदर, तो वो इनपुट कहाँ जाना चाहिए बेटा, रियल के अंदर, तो यहां पर जाता है। चाहे वाई जो मर्जी डालो, एक्स, क्योंकि रियल को डर किससे लगता है, कॉम्प्लेक्स से, तो ये कॉम्प्लेक्स आपके यहाँ बनेगा नहीं, तो बहुत बढ़िया, ओके। सो ये आपका वन वन ओन टू दोनों है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वो बेटा एक मिनट का काम है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो अब इनवर्स क्या निकालना, देखो ध्यान से, आपने क्या माना हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां से एक्स क्या जाएगा, एफ इनवर्स वाई, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो ना, अगर फंक्शन वन वन ओन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन एक्स को वाई पर भेज रहा है, फंक्शन एक्स को वाई पर भेज रहा है, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स आएगा एफ के इनवर्स, वो क्या करेगा बेटा, वाई को एक्स पर भेजेगा। इनवर्स कहते हो, हाँ हाँ हम जी लेते थे, लेकिन जी इक्वल टू एफ इनवर्स भी तो लिखते थे, शायद आपको याद आया हो। तो ये होता है, यहां बेटा एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो ये वाली, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये क्या है, y प्लस थ्री डिवाइड बाय, ये है इनवर्स फंक्शन। सर ये इसमें तो y आ रहा है बेटा, y जस्ट अ सिंबल, मतलब फंक्शन एक मशीन है, काम देखो इनवर्स का, इनवर्स फंक्शन का काम देखो क्या कहता है, अगर आप y डाल रहे हो तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, y
प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ये काम कर रहा है, जो डाल रहे हो उसमें 3 ऐड करता है और फिर 2 से डिवाइड। तो मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ताकि जैसा हमने देखा हुआ है, वाई डालोगे तो वाई का क्या करता है, एक्स रखते हैं, वाई रखते हैं, प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अगर बेटा मैं यहाँ पर एक स्माइली डाल दूँ तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्माइली प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ये काम होगा। ओके, अगर मैं स्माइली की जगह एक्स डाल दूँ, इनपुट ही तो है, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई। तो ये इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन का। अब आपके लिए काम है, आपके पास बेटा एफ इनवर्स आ चुका है, जिसको आप जी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा आप कंपोजिशन करके देखना, ये निकाल कर देखना और गोफ निकाल कर देखना। तो बेटा ये आई बी आ जाएगा, ये आई ए आ जाएगा। सो फंक्शन 1 1 2 है, इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है, इतना हो चुका है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। किसका सर क्वेश्चन? जय मेन का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं होता, ना जय मेन्स ना एडवांस। आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हो ये जरूरी है, ठीक, सब कुछ हो जाता है। सो बेटा जय मेन्स 2020 में आया हुआ है, और इतना आसान क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x डिवाइड बाय 8 की पावर 2x और सॉरी प्लस 8 की पावर -2x। और बेटा x किसके बीच में जा रहा है, -1 से 1 ओपन। तो ऑप्शन ए क्या है बेटा, ऑप्शन ए है 1/4 log e 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। बी 1/4 log e 1 - x डिवाइड बाय 1 + x। और सी ऑप्शन है आपका log 8e डिवाइड बाय 4 log e 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। और लास्ट ऑप्शन है बेटा डी, वो क्या है, log 8e डिवाइड बाय 4 log e 1 - x 1 + x। सो ये क्वेश्चन है, अब इसको चेक करना है कि ये सॉरी इसका इनवर्स निकालना है। अब एक बात याद रखना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना बेटा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पक्की बात है कि फंक्शन आपका 1 1 2 तो है, मतलब सर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, 1 1 2 चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, याद रखना, वो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप करोगे तो। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिस बच्चे ने अब तक जो कर रहे हैं वो बहुत ही शिद्दत से किया हुआ है, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। टाइम सेव करते हुए क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन है बेटा इनवर्स निकालने के लिए। देखो अगर आप ओनली इनवर्स निकालना चाहते हो, 1 1 2 आपको पता है कि फंक्शन है, तो फटाफट इनवर्स निकालना है। अभी लास्ट में बेटा क्वेश्चन में क्या काम किया था हमने, ऑन टू चेक करने के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू वाई मानकर चले थे, बस यहां से काम स्टार्ट कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स है क्या बेटा, 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x और 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2x इक्वल टू वाई। उसके बाद बेटा हमारा काम क्या था, हमने एक्स निकालना था। चलो करते हैं सिंप्लीफाई, एक्स निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, ओके चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 की पावर 2x और इसको बेटा 8 की पावर 2x प्लस 1/8 की पावर 2x।
तो बेटा इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक। अगर एलसीएम देंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 8 की पावर 4x, पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस वन डिवाइड बाय, तो ये 8 की पावर 4x प्लस वन। एक्चुअली बेटा जो इसका आया एलसीएम, ये इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, और जो इसका एलसीएम आया वो इसके नीचे इक्वल टू वाई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मतलब इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इस एलसीएम की। हमारे पास मेन बात ये आई, अब क्या करते हैं सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर वन है, तो बेटा ये बन जाएगा 8 4x माइनस वन इक्वल टू वाई 8 की पावर 4x और प्लस वन। आप अगर इसको उस साइड लेकर चले जाओ और इसको इस साइड लेकर आ जाओ, सो 8 की पावर 4x माइनस वाई 8 की पावर 4x इक्वल टू 2, तो बेटा 8 की पावर 4x क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 बन जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, सो 8 की पावर 4x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, इतना हो जाएगा, ठीक। अब यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा अभी देखते हैं। ये बेस है और ये बेस की पावर समथिंग 4x। अगर बेटा आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, a की पावर x इक्वल टू, अगर y लिखा हुआ है तो बेटा ये आता था x इक्वल टू log a और साथ में बेटा y, कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हुई, कहीं कोई चीज बेटा एक चीज मिस हुई, वो क्या, इसके साथ भी बेटा y आएगा। ओके, तो ये 2 नहीं हो जाएगा बेटा, y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, और ये भी y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं, ये बेस है, जब इसको ये a है बेटा हमारा, यहाँ पर जब a को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर तो 4x बचेगा ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log 1 प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, इतना आया। तो बेस में बेटा क्या लिखेंगे, 8। अब आपको x निकालना होता है इनवर्स के लिए, तो बेटा 1 बाय 4 log 8 और 1 प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, इतना आ गया। तो याद है आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, कहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने यहां से स्टार्ट किया था। तो इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स यहां से मिलता है f इनवर्स y इक्वल टू x, तो यहां से पक्की बात है ये आपका f इनवर्स y आ जाएगा, 1 बाय 4 log 8 1 प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस y, जस्ट y एक सिंबल है फिलहाल के लिए, इसको रिप्लेस कर दो, फंक्शन आ चुका है, इसको मैं x से रिप्लेस कर देता हूं, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब ऑप्शन देखो, इतना हमने काम कर लिया, 1 बाय 4 ठीक, ये कोई बच्चा ठीक कहेगा, लेकिन बेटा बेस देखो, यहां पर बेस e है, यहां पर बेस 8 है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहां पर देखना 1 बाय 4 ये बेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो इसको देखो और इसको देखो, मतलब बेस ई में हमें कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हमें आंसर ठीक मिले। तो बेस ई में ले जाने के लिए बेटा एक लोगों का और फॉर्मूला है, जब हमने प्रॉपर्टी की थी तो वो हमने अच्छे से किया था, जाकर देख सकते हो लॉगरिथम वाला लेक्चर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कि लोग अगर बेस ए है और इनपुट बी है, इसका फॉर्मूला था ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो बेस बेटा ई बन जाता था। तो ये फॉर्मूला बेटा हम यहां पर अप्लाई करेंगे, कैसे, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 4, तो बेटा बेस 8 है, तो हमारा यहां पर ए क्या है 8 और बी क्या है बेटा ये पूरा समान 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाता है बेटा ऊपर वाला ऊपर, यानी कि log e 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और नीचे वाला नीचे, तो log
E8। ये बन गया, ठीक है। अभी बात ना पास नहीं पहुंची बेटा, अभी बात मुझे पास नहीं पहुंची। ये देखना, ये वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन बेटा ये देखो ये भी है, लेकिन ये उल्टे हैं। यहां पर एट है, यहां पर ई है, यहां पर ई है, यहां पर एट है। ये तो जस्ट यहां पर दिक्कत आ रही है ना। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या, इसी को थोड़ा सा यहां पर बेटा मैं लिख सकता हूं लोग ई, ठीक। इन दोनों को इकट्ठा पकड़ लो, क्योंकि ये वन होता है ना, ई ई, तो बेटा ये वन होता है। याद हो अगर आपको कि लोग ए ए वन होता था, तो वन को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया। अब बेटा इसको पकड़ लो, इसमें दोबारा यही फॉर्मूला, कौन सा, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला यहां और नीचे वाला यहां, तो 1/4। तो बेटा ऊपर वाला कहां, ऊपर वाला इनपुट लोग ई, और नीचे वाला बेटा बेस में आ जाता है। तो ये बन गया, बाकी सारा सामान आपके पास ऑलरेडी सही सलामत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये ऑप्शन आया हमारा, ये देखो ये ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। अब अगर सर क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपने जो पीछे करके आए हो आपको सिर्फ वो याद है। जय मेन्स एडवांस में अलग यही आता है कि जो हमने बेसिक किया हुआ है ना, हमें वो सारा कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ जाता है। तभी तो मैं कहता रहता हूँ कि सीखते रहो, कहीं ना कहीं तो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक इतना ठीक है इस लेक्चर में, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। टेक केयर।